मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने का। क्यों, तुम तो ये प्रोजेक्ट बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। हाँ, मगर पहले बाहर जाना इसका पार्ट नहीं था। क्या मतलब? मतलब मेरा काम सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार करना था, उसके बाद मेरे कॉलीग ने बाहर जाके उसे प्रेजेंट करना था, मगर अब बॉस कह रहे हैं कि मैं ही बाहर जाऊंगा, मैं ही प्रेजेंटेशन दूंगा। हाँ तो वो ठीक ही तो कह रही। देखो ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया और मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, और तुम जितनी बारीकी से सारी चीजें क्लाइंट को समझा सकते हो, इस तरह कोई और कैसे समझा सकता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम इस वक्त बिल्कुल मेरी बॉस लग रही हो, वो भी इसी तरह मुझे समझा रहे थे। तो हूँ मैं तुम्हारी बॉस? यस बॉस, तीनों दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, सुबह से शाम, वरना तुम्हें भी साथ ले जाता। अब मैं हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ना। मगर तुम्हारे बगैर दिल भी तो नहीं लगता ना मेरा। तो इसका भी हल है ना मेरे पास। देखो हम दोनों सुबह शाम कॉल पे बात करेंगे और ये तीन दिन ना पलक झपकते गुजर जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक कह रही हूँ। मॉम, वो आप डेली टैबलेट दे तो रही हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो आज सुबह भी कुसुम जूस बना रही थी तो मैंने उसमें टैबलेट डाल दी, लेकिन मॉम अभी तक कोई असर नजर नहीं आ रहा। मुझे तो आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे आजकल देर से उठने लगी है, और जब भी उससे बात करो ना उसकी आंखों में देखो ऐसा लगता है नींद की हालत में। लेकिन इससे क्या होगा? उसी से तो होगा, पहले नींद की अलामत होती है, उसके बाद फिर सर चकराने लगता है, फिर सर में दर्द होने लगता है, और इतना दर्द होता है कि दीवार से सर मारे। वाह, इतना खूबसूरत मंजर होगा ना मॉम। वैसे ये मंजर मैं कब देख सकूंगा? बहुत जल्द, और किस्मत देखो तुम्हारे डैड भी नहीं, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है, हम उसे पागल खाने पहुंचते हैं। ये सही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज सुबह सुबह मेरे बच्चे को याद कैसे आ गई अपनी दादी की? बस तीन चार दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ तो आपसे मिलने आ गया, आपकी और फूफो की दुआएं लेने। बेटा ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं? जी फूफो। माशाल्लाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। बॉस मेरे काम से बहुत खुश है। मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की दुआएं और गुल का साथ भी अहमियत रखता है दादी जान। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। बेटा बस इसी तरह तुम मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की देगा। नौफल तुम नाश्ता करके जाना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रुशना, हम नाश्ता करके आए। तुम क्यों खैरों वाली बात कर रही हो गुल? भला मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं इस घर में सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम लोग भी इस घर के फर्द हो क्यों दादी जान, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, मेरी बच्ची अब बहुत सुघड़ हो गई है। मगर हम नाश्ता करके आए दादी जान। अच्छा चलो तो फिर मैं चाय ले आती हूँ, वो पी लेना। और हाँ गुल, तुम तो नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना लेती हूँ, ठीक है? और नौफल तुम्हारे लिए चाय बना लेती हूँ, पियोगे ना? और हाँ नौफल, तुम्हें प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और गुल तुम्हें भी। गुल क्या हो गया, तुम इतनी चुप क्यों? अरे मैं दिल से मुबारकबाद दे रही हूँ।